हम लोग संपत्ति बंटवारा, जमीन बंटवारा, घर बंटवारे की बात जरूर सुनी है, लेकिन पति का बंटवारा वो भी 15-15 दिन के लिए, यह थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा है। लेकिन यह बिल्कुल सच है, यह कोई कहानी या किस्सा नहीं, बल्कि हकीकत में एक पति को दो बीवियों द्वारा बांटने का मामला सामने आया है, वो भी 15-15 दिन के लिए, पहली पत्नी के साथ और शेष 15 दिन दूसरी बीवी के साथ एक पति को बांट दिया गया है। यह मामला किसी दूसरे राज्य का भी नहीं है, यह सत्य वाक्य बिहार का है, वो भी पूर्णिया जिले का, जहां एक पति को दो पत्नियों के बीच बांट दिया गया है। इस पर भी पुलिस ने मुहर लगा दी है। यह मामला पूरे जिले में आग की तरफ फैल चुका है। जिधर देखो उधर पति के बंटवारे की चर्चा हो रही है, जितनी मुंह उतनी बातें हो रही है, और होगी भी क्यों नहीं, यह विषय जो ऐसा है, यहां तो एक बीबी नहीं संभाली जाती, इस महोदय को तो दो दो बीबियों के बीच पिसना पड़ेगा, वो भी 15 दिन पहली और 15 दिन दूसरी बीबी के साथ। बिहार में पति का दो पत्नियों के बीच बंटवारा करने का दिलचस्प मामला सामने आया है, वो भी यह फैसला किसी पंचायत या आपसी सहमति से नहीं हुआ, बल्कि पूर्णिया पुलिस परिवार परामर्श केंद्र द्वारा अनोखा व्यवस्था किया गया है। 6 बच्चों के एक पिता को दूसरी शादी रचना महंगा पड़ गया। दूसरी पत्नी की शिकायत पर पूर्णिया पुलिस के परिवार परामर्श केंद्र ने पति को 15 दिन पहली पत्नी और महीने के आखिरी 15 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहने का निर्देश दिया है। इस फैसले की इलाके में खूब चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि भवानीपुर थाना के गोड़ियारी के रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर बरगलाकर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया। उसका कहना है कि वह पहले से शादीशुदा होने के साथ 6 बच्चों का पिता भी है, लेकिन इस बात को उसने मुझे नहीं बताई। महिला के मुताबिक अब उनका पति उन्हें तथा उनके साथ नहीं रखना चाहता है। दूसरी पत्नी मारपीट और गाली गलौज करने की शिकायत लेकर पुलिस परिवार परामर्श केंद्र पहुंच गई। इधर पति का कहना था कि दूसरी पत्नी अब पहली पत्नी के बच्चों के साथ मारपीट करती है और इसके चलते उसने सख्ती बरतनी पड़ती है। परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों के मुताबिक जब यह मामला पुलिस परिवार परामर्श केंद्र के सामने आया तो कुछ देर के लिए केंद्र के लोग असमंजस में पड़ गए। अब क्या किया जाए यह सोचने लगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सदस्यों ने जो फैसला दिया कि पति को दोनों पत्नियों को रखना होगा, साथ ही उनका भरण पोषण भी करना होगा। परामर्श केंद्र ने इसके साथ ही दोनों को अलग अलग घरों में रखने का भी निर्देश दिया है। पति को 15 दिन पहली बीवी के साथ और अगला 15 दिन दूसरी बीवी के साथ गुजारने का निर्देश दिया गया है। इस फैसले से पति और दोनों पत्नियां सहमत हो गईं और खुशी खुशी अपने अपने घर चली गईं। परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों ने दोनों पत्नी और पति की सहमति के बाद तीनों से बॉन्ड भी भरवाया है ताकि भविष्य में आकर के ये बकेड़ा न खड़ा हो जाए। इस मामले के बारे में जानकर हर कोई हैरान था। कुछ लोगों ने कहा कि घर जमीन सामान आदि का बंटवारा तो आम बात है, इसके बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन पति के बंटवारा की बात पहली बार सुन रहा हूं। खैर बात चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसी घटना लोगों को थोड़ी बहुत जरूर हतप्रभ करती है। लाइव सिटीज के लिए डेस्क की रिपोर्ट।